हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेटेस्ट स्टार्ट डेज डिस्कशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर्स एंड इंडियंस फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को अवेलेबल राइट कौन सा है तो ये राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी और ये कौन से आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी में दिया गया है ओके सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं मतलब फॉरेनर्स के लिए इंडियंस मतलब के लिए सबके लिए, सब लिए अवेलेबल नहीं हैं इनमें से जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी जो आर्टिकल ट्वेंटी वन में है ये फॉरेनर्स और इंडियन दोनों के लिए अवेलेबल हैं होल्डिंग ऑफ इलेक्शन फॉर पंचायत इज डिसडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ तो किस अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किया जाता है तो ये अथॉरिटी है द स्टेट गवर्नमेंट आंसर इज सी होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ द पंचायत इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट कौन सा इसमें से है जो फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को पहले फंडामेंटल राइट right में रखा गया था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया अब इसको रखा गया है आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में ओके okay. uh, और हमारे पास जो सिक्स फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ओके ये सिक्स फंडामेंटल राइट हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ड्यूटी एंड टेन्योर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट ड्यूटी और टेन्योर क्या होता है तो ये है आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव ओके विच एम एम द फॉलोइंग रिगार्डिंग एन आर आईज़ वोटिंग राइट्स इज करेक्ट तो स्टेटमेंट देखनी है फॉर द रिगार्डिंग एन आर आईज वोटिंग राइट्स तो ये है आंसर इसका सही है एन आर आईज कैन वोट इन पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली इलेक्शन एन आर आईज जो हैं वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन में वोट कर सकते हैं हु the द has राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज a स्कीड्यूल एरिया किसके पास राइट होता है किसी एरिया को स्कीड्यूल एरिया में डिक्लेयर uh, करने का तो ये राइट होता है किसके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज ए स्कीड्यूल एरिया एंड हैज़ द पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीड्यूल एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज

विच एम द फॉलोइंगल गिवस द पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक प्री प्रव एक्शन टू प्रोटेक्ट एनी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है किस आर्टिकल में यह दिया गया है कि वो आ, एक्शन ले सकता है एक्शन ले सकता है अगर प्रोटेक्ट करना है किसी स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो ये आर्टिकल है फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म फोर्सेज का कौन होता है तो ये होते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया प्रेजिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट

तो ये इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाई लेजिस्लेशन ओके क्योंकि इसको कर्टेल किया जा सकता है दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू